नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी खरपतवार नाशक दवाई के बारे में बताएंगे जो लगभग किसान भाई सभी दलहन तिलहन अनाज सब्जियों के साथ साथ अनेक प्रकार की फसलों के अंदर भी डाल सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इसके प्रयोग से लगभग 45 दिन तक खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में अनेक प्रकार की कृषि से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि खरपतवार एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम ना चाहते हुए फसलों के अंदर उग जाती है और हमारी फसल की उत्पादन के साथ साथ जो कि उसकी क्वालिटी होती है उसको भी नुकसान पहुँचाती है। फसलों के अंदर अगर हम खाद उर्वरक जो भी डालते हैं वो भी हमारी फसलों को ज़्यादा लगने की बजाय वो जो अगर उसके अंदर खरपतवार ज़्यादा है तो वो खींच लेती है, जिससे कि हमें बहुत ही नुकसान होता है। किसान भाइयों, आप अगर पेंडामिथाइलिन 30 EC जो कि टेक्निकल आता है, पेंडामिथाइलिन 30 EC अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप निवारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पेंडामिथाइलिन 30 EC ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फ़ोटो में दिखाई जाए आप वही प्रोडक्ट लें, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके अंदर बस ध्यान रखना है कि पेंडामिथाइलिन 30 EC का टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि संकरी एवं चौड़ी पत्ती के साथ साथ जो भी वार्षिक खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण करने में सक्षम है। किसान भाइयों, अगर हम चौड़ी और संकरी पत्ती की बात करें तो इसके अंदर जैसे चौड़ी पत्ती के अंदर जैसे बथुआ, कृष्ण नील, चटरमटरी, हिरणखुरी, सेजी, अकराकरी, गाजरी, जंगली प्याजी, सत्यानाशी अनेक प्रकार की घास होती है। इसके अलावा भी किसान भाई जो सेंजी, गुल्ली डंडा, जंगली जई, गेहुआ जैसी कई अनेक प्रकार की खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। ये दवाई लगभग 50 से ज़्यादा खरपतवार को नियंत्रण करने में सक्षम है। किसान भाइयों, आप इसको सब्जियों के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जो किसान भाई जो रुपाई वाली सब्जियां लगाते हैं जैसे प्याज और लहसुन, वो किसान भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें कि इसके अंदर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और इसको कब डालनी है ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिले। किसान भाइयों, ये एक ऐसी दवाई है जो आपको बुआई के 2 दिन के अंदर अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो दवाई है ये एक ऐसी दवाई है जिसके लिए ज़मीन के अंदर पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। अगर ज़मीन के अंदर पर्याप्त नमी नहीं है तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बुआई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने इसके अंदर पड़ेवा करके या बुआई की है तो इसके अंदर ज़मीन के अंदर पर्याप्त नमी है, तभी हम इस दवाई का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये दवाई क्या करती है, जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो ये दवाई ज़मीन के ऊपर एक हल्की सी परत बना देती है जो कि सभी प्रकार की खरपतवार जो उगती है, चाहे संकरी पत्ती की हो या चौड़ी पत्ती की हो, उनको नियंत्रण करने में सक्षम रहती है। किसान भाइयों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये दो दवाई है ये सिर्फ दवाई उन्हीं खरपतवार को नियंत्रण करने में कामयाब है जो उगी नहीं है। यानी कि जैसे कि जो अगर कोई खरपतवार उग गई है उस पे ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो दवाई है ये सिर्फ उन्हीं पौधों को रोक सकती है जो जर्मिनेट नहीं हुए या उगे नहीं हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें किसान भाइयों, जब भी आप इसका छिड़काव करें तो ध्यान रखें कि कोई भी जो आपका जो किला या बीघा या एकड़ जो ज़मीन है वो कहीं से भी छूटने न पाए। अगर जहाँ से भी ये छूटेगी वहाँ पर आपका जो खरपतवार है उसके उगने की संभावना हो जाती है। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, ये लगभग 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है, जो कि आप 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी 1 एकड़ के खेत के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम ढोलकी की बात करें जो किसान भाई, तो किसान भाई 5 से 6 ढोलकी 1 एकड़ के लिए डलेगी, जिसके अंदर किसान भाई 150 से 200 ml अपने अनुसार मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें अभी भी कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर वीडियो और टॉपिक पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।